हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो हमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली द एसेंशियल डिटेल्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग इनकैप्सुलेशन पढ़े थे, तो इनकैप्सुलेशन में क्या होता था, इनकैप्सुलेशन इज यूज फॉर द सेक ऑफ डेटा सिक्योरिटी, वेयर एज एब्स्ट्रैक्शन इज यूज फॉर द सेक ऑफ डेटा हाइडिंग। इसमें हम लोग ओनली एसेंशियल डिटेल्स शो करते हैं एंड वी विल हाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल है पावर फंक्शन, जैसे कि आप लोग यूज किए होंगे पावर फंक्शन। उसमें क्या होता है, हम लोग सिंपली पावर फंक्शन यूज करते हैं, उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर देते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 की पावर 3 निकालना है, 2,3, तो इसमें क्या हुआ, ये एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन का। इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें पता नहीं है, हम लोग डायरेक्टली पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं विदाउट नोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर, तो इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। सो वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन टू वेज। तो C++ में दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव किया जाता है, एक होता है यूजिंग क्लासेस एंड अदर यूजिंग हेडर फाइल्स। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे दोनों का एग्जाम्पल, जो हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव कर सकते हैं क्लासेस के थ्रू एज वेल एज हेडर फाइल्स के थ्रू। तो हेडर फाइल्स के थ्रू कैसे, जैसे कि अभी एग्जांपल हम लोग देखे थे पावर फंक्शन, जैसे कि सॉर्ट, हम लोग सॉर्ट यूज करते हैं, ये सब क्या है, यूजिंग हेडर। इसमें क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक हेडर फाइल कॉल करते हैं एंड वी कैन डायरेक्टली यूज पावर सॉर्ट एंड अदर फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस। तो ये होता है एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। सिमिलरली क्लासेस में क्या होता है, क्लासेस में हम लोग पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग अपने डेटा मेंबर्स और फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं या प्रोटेक्टेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस। एंड सिमिलरली वी कैन अचीव डेटा एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। एग्जाम्पल क्या है, पावर फंक्शन, सॉर्ट फंक्शन, ये सब एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन का। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, हम लोग एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, प्रोग्रामर डोंट नीड टू राइट द लो लेवल कोड। इसमें क्या होता है, हमें इम्प्लीमेंटेशन और लो लेवल कोड यूज करने लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमें अगर सॉर्ट करने हैं एरे को, लिस्ट को, तो उसमें क्या होगा, हमें बार बार उसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली यूज सॉर्ट इन बिल्ट मेथड। सो इसमें क्या होता है, कोड रियूजेबिलिटी अच्छी होती है, हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखा गया डायरेक्टली वी कैन यूज हेडर फाइल एंड वी कैन यूज दिस फंक्शन। अनदर एडवांटेज इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन अवॉइड कोड डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, सेम कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर जैसे कि हमें सॉर्ट करना है तो एक ही फंक्शन या एक ही क्लास के अंदर हमें बार बार सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत नहीं, एक बार एक जगह इम्प्लीमेंट कर दिया और हेडर फाइल को यूज करके हम लोग बार बार सेम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसे बार बार इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। थर्ड एडवांटेज है इंक्रीज रियूजेबिलिटी। एंड फोर्थ एग्जांपल का एडवांटेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ क्लास आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम इनएडवर्टेंट यूज लेवल एरर्स। तो इसमें क्या होता है, कई बार यूज लेवल एरर आने की चांसेस कम होता है, क्योंकि अगर हम पहले ही इसका इम्प्लीमेंटेशन है तो दोबारा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं, उसे क्या होगा, कई बार एरर आने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, उसके बाद देखे दो टाइप से हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ क्लासेस एंड हेडर फाइल्स। इन दोनों का एग्जांपल हम लोग कोड के थ्रू देखेंगे। उसके बाद देखे एडवांटेजेस ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये चार इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसके एडवांटेजेस पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्यों यूज करते हैं। तो हम लोग क्यों यूज करते हैं डेट्रैक्शन, हाइड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। जैसे कि हम लोग डेटाबेस होता है, जैसे डेटाबेस में भी क्या होता है, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में काफी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो कि हम लोग चाहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड को पता ना चले। तो हम लोग डेटाबेसिस में भी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स एंड एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस। तो सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। सबसे पहले एक मेन मेथड बना लेते हैं, उसके अंदर लेट्स से
टू इंटीजर है नम इज इक्वल्स टू फोर एंड एक इंटीजर है लेट्स से पावर इक्वल्स टू टू। एक रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे पावर निकालेंगे फोर टू दी पावर ऑफ टू। तो आप लोगों ने काफी बार यूज किया होगा कोड में, जनरली हम लोग पावर अगर निकालना हो तो क्या करते हैं यूजिंग पावर फंक्शन POW यूज करते हैं। इसमें नम कॉमा पावर, अगर इसे हम अभी हम सीआउट करें रिजल्ट तो हमें एरर आएगा। पहले देखते हैं रन करके, जैसे अगर अभी मैं सेव करूं और यहां पे देख रहे होगे आप एरर शो कर रहा है आइडेंटिफायर पावर इज अनडिफाइंड। तो हम लोग पावर यहां पे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, हमें हेडर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहां पे लिखेंगे इंक्लूड मैथ डॉट एच, यूज करेंगे इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो ये एक एग्जाम्पल है एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल्स। तो हम लोग को इंप्लीमेंटेशन नहीं पता पावर का कैसे इंप्लीमेंटेशन है, हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं यूजिंग हेडर। तो मैथ डॉट एच हेडर यूज किए तो ये एरर यहां से रिमूव हो गया। अगर अब हम लोग रन करें और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है, आप देख सकते हो यहां पे आउटपुट में आया 16, 4 टू द पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 16। जैसे यहां पे हम लोग पावर यूज किए वैसे हम लोग वेक्टर हैश मैप सेट ये सारे चीजें भी हेडर्स में हमें बस इंक्लूड करके यूज कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का। तो ने भी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग बस लाइब्रेरी को इंक्लूड करके उसे डायरेक्टली यूज करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है हम लोग को इंप्लीमेंटेशन पता नहीं है कैसे इंप्लीमेंट किया गया है, हम लोग डायरेक्टली यूजिंग हेडर्स यूज कर लेते हैं। तो उसका इंप्लीमेंटेशन अलग से किया हुआ होता है, हम लोग को बस क्या करना होता है इंक्लूड करना पड़ता है इन हेडर। तो ये एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर फाइल। सिमिलरली अगर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन इन हेडर्स देख लिए हैं, अब हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस। तो एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस कैसे अचीव किया जाता है यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट एंड पब्लिक। हम लोग अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। नीचे क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास उसका नाम है लेट्स से सम। इसमें क्या करेंगे हम लोग सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करेंगे प्राइवेट। इसके अंदर क्या करेंगे जो भी वेरिएबल्स हैं जो हम चाहते हैं प्राइवेट रहे क्लास के अंदर ही बस यूज हो पाए क्लास के बाहर ना यूज हो पाए उसे हम लोग इसमें डिक्लेयर कर देंगे। लेट्स से हम लोग एक्स कॉमा वाई दो प्राइवेट इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए जो कि क्लास के बाहर यूज नहीं किया जा सकता और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। इसके अंदर एक मेथड यूज करते हैं void set। ये void set क्या करेगा ये वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, x एंड y की वैल्यू जैसे कि प्राइवेट है तो हम लोग डायरेक्टली क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए क्या करेंगे void set इसमें दो वेरिएबल लेट्स से a कॉमा b दो वेरिएबल बना देते हैं और विद हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल विल बी इनिशियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x विल बी इक्वल्स टू a एंड y विल बी इक्वल्स टू b। a एंड b की वैल्यू जो हम लोग पास करेंगे मेन मेथड के थ्रू वो यहां पे x एंड वैल्यू x एंड y में इनिशियलाइज हो जाएगा। और एक मेथड यूज करते हैं void display, ये क्या करेगा डिस्प्ले करेगा सम। तो इसके अंदर एक वेरिएबल लेट से जेड बना लेते हैं जो कि स्टोर करेगा वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई और यहां पे हम लोग सी आउट कर देंगे वैल्यू ऑफ जेड। तो ये तो क्लास के अंदर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं मेन मेथड के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मेन के अंदर हम लोग क्लास सम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेट से इसका नाम एस दे देते हैं। अब एस डॉट सेट सेट कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग पास करते हैं लेट से कुछ भी रेंडमली 2.5 दो नंबर पास कर दिए और ऑब्जेक्ट की हेल्प से एस डॉट डिस्प्ले कॉल करते हैं डिस्प्ले मेथड।
तो इसमें क्या होगा, जो दो वैल्यूज 2, 5 हम लोग सेट किए हैं, ये वैल्यू एक्स एंड वाई में इनिशियलाइज कर देगा एंड डिस्प्ले मेथड में इसे डिस्प्ले कर देगा वैल्यू ऑफ सम। तो ये तो था एक सिंपल एंड बेसिक एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस। तो इसमें क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन इन क्लासेस में प्राइवेट मेंबर्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक्स एंड वाई लिए हैं, तो इस क्लास के बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसी तरह हम लोग बैंकिंग डिटेल्स, अकाउंट होल्डर्स डिटेल, नेम, एज, ये सारी चीज़ों को हम लोग प्राइवेट रख सकते हैं, और यूजर्स को हम लोग सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं अकाउंट नंबर एंड बैलेंस। तो इस तरीके से हम लोग बैंकिंग में इसे यूज कर सकते हैं। तो अभी इसको सेव करते हैं और देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो आप नीचे आउटपुट में देख सकते हो सम इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे 2, 5 का सम हम, सो यहाँ पे हम लोग 2, 5 का सम निकाल रहे हैं। तो ये तो था एक सिंपल एग्जांपल। इसमें हम लोग क्या किए, एक्स एंड वाई की वैल्यू को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किए, तो इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, ओनली शोइंग द सम इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड हाइडिंग सेंसिटिव और द इम्प्लीमेंटेशन। तो आई होप आप वीडियो आपको समझ में हो आया होगा और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अच्छे से क्लैरिटी मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।